दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और अभी मैं आ चुका हूँ वाराणसी के चनुआ सट्टी। ये जो देख रहे हैं ये है आपका चनुआ सट्टी एरिया। और आज है आपका 25 मार्च और इस समय सुबह के 8:10 हो रहे हैं। ये देख रहे हैं ये जो है चनुआ सट्टी का ये बाहर का नज़ारा है। और यह जो रोड है ये आपका है घंटी मिल रोड, और सामने आपका है जो कि कैंट और बेचू रोड। यानी कि अगर बाएं साइड से अगर आप जा रहे हो तो वाराणसी कैंट के लिए चले जाएंगे, और यही दाहिने साइड वाला रोड आप सिगरा होते हुए भेलूपुर होते हुए जो कि बेचू सिंह द्वार के लिए चले जाएंगे। ये देख रहे हैं नज़ारा कुछ इस प्रकार। इसी बगल में एक मंदिर भी है, और इसी चनुआ सट्टी से ही कुछ ही मीटर की दूरी पर आपका है जो कि वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है भारत माता मंदिर। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ चनुआ सट्टी से आपका चेतगंज तक के नज़ारे। तो दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ये देखिए ये है बनारस शहर का सुबह का नज़ारा। ये देख रहे हैं सबसे ज़्यादा चहल पहल आपका चनुआ सट्टी में ही रहता है सुबह के समय। और इस साइड देखेंगे तो अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, और हम लोग को चनुआ सट्टी चलना है तो इसके लिए हम लोग को डिवाइडर उस पार चलना होगा। हालांकि इसमें देख रहे होंगे जो कि डिवाइडर लगा हुआ है तो आगे से घूम कर जाना होगा। ये देख रहे हैं इस साइड आपका है मैक्स मार्ट, इस साइड आपका है सिटी कार्ट यानी कि कपड़े का शोरूम, और यह सीधा रास्ता आपका मलदैया चौराहा के लिए चला जाएगा। और ये जो रास्ता है ये देखा है तो सीधे आपका आईपी मॉल होते हुए सिगरा के लिए आप चले जाएंगे। हम लोग को चलना है चेतगंज, चेतगंज जाने के लिए इस साइड आपको बाएं साइड घूमना होगा जो कि शॉर्टकट एक रास्ता है जो कि सीधे आपका लल्लापुरा होते हुए जो कि सीधे आपका चेतगंज के लिए चला जाएगा। देखिए यहाँ पर एक दो रास्ते कटे हुए हैं जो कि ये एक लल्लापुरा के लिए चला जाएगा, और ये भी आपका लल्लापुरा होते हुए जो कि चेतगंज के लिए चला जाएगा। ये देख रहे हैं सुबह का नज़ारा है जो कि कुछ ही दुकानें अभी आपका खुला हुआ है, ज़्यादा हलचल भी नहीं है, नहीं तो इस रोड पे आप देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त आपका चहल पहल रहता है। ये देखिए इसी आपका लल्लापुरा में ही देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो कि मुर्गे का कई सारा आपका यानी कि जो मुर्गे का जो मीट होता है कई सारा आपका यहाँ पे दुकान है। और देखा जाए तो अपने वाराणसी में सबसे सस्ता जो आपका जो मुर्गे का जो मीट मिलता है वो लल्लापुरा एरिया में ही मिलता है। अगर आप वाराणसी से है अगर मुर्गा खाने के शौकीन हैं तो इस समय वर्तमान समय में देखा जाए तो जो कि 220 रुपए किलो या फिर 240 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर 160 से 180 रुपए किलो में आपको मिल जाएगा जो वाइट वाला होता है मुर्गा वो। तो दोस्तों सामने सनलाइट आने की वजह से वीडियो थोड़ा काला आ रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे देखिए एक बाएं साइड में एक रास्ता कटा हुआ है जो कि शॉर्टकट होते हुए ये आपका पिशाच मोचन कुंड के लिए चला जाएगा, और चेतगंज जाने के लिए सीधे चलना है कहीं मुड़ना नहीं है। ये देख रहे कई सारा दुकान है, एक इस साइड है आगे बंडे पर देखा जाए तो जो आपका लल्लापुरा में सबसे प्रसिद्ध आपका जो मुर्गा का दुकान है वो देखिए इस साइड है दाहिने साइड जो कि सुबह से ही कटना शुरू हो गया है। ये देख रहे हैं ये देखिए स्टॉक भी रखा हुआ है मुर्गे का,
और यहाँ से देखिए आपका जो है कि चेतगंज जो मार्केट होता है किराना का, जो सब आइटम मिलता है यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। ये गली काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर आपका थोक रेट में यहाँ पर आपको सामानें मिल जाएंगे। क्योंकि देखा जाए जो विशेषरगंज आपका गल्ला मार्केट है और उसके बाद दूसरा नंबर देखा जाए तो ये चेतगंज मार्केट है, यानी कि सबसे सस्ता आपको मिलेगा विशेषरगंज, उसके बाद चेतगंज। और इस समय सुबह का समय है जिसके वजह से आप देख रहे होंगे जो कि दुकानें अभी बंद है। तो ये देख रहे हैं ये आपका है मार्केट, और आगे ही बढ़ने पर जो कि दाहिने साइड वाला रोड आपका पानदरीबा, यानी कि जो पान का आपका पत्ती जो बिकता है वहाँ के लिए चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए इस साइड जो पान बांधा जाता है यहाँ पर आपका बिक रहा है पत्ता, और ये जो है ये आपका चला जाएगा पानदरीबा जहाँ पर पान आपका बिकता है, मगही पान हो गया, पान का पत्ता ये सब। और दोस्तों मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ पेट्रोल के लिए थोड़ा बहुत मदद कर दीजिएगा। मैं अपना UPI नंबर डाल दूंगा, क्योंकि मैं UPI का बात आता है जब मैं राइड करता हूं तभी मैं आप लोगों को कहता हूं। ऐसे देखा है तो मैं वीडियो जब बनाता हूं तो मैं कुछ नहीं बोलता हूं। और सामने है आपका चेतगंज चौराहा जो कि बाएँ साइड वाला रोड आपका लहुराबेर के लिए चला जाएगा, वही दाहिने साइड वाला रोड आपका नई सड़क होते हुए जो कि सीधे आप दशाश्वमेध घाट के लिए भी जा सकते हैं, और ये जो रास्ता है ये आपका चला जाएगा जो कि कबीर चौरा के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।